क्या छोटा स्टोन अपने आप निकल सकता है या फिर आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी? तो ये स्टोन इतना छोटा सा जो ये 1 से 4 mm का स्टोन है, ये भी आदमी को अपने घुटनों तक ला सकता है, क्योंकि ये स्टोन जब उतरता है तो ये पूरे पेशाब के रास्ते को घसेड़ता हुआ आता है। तो जो स्टोन 11 mm से बड़े हो चुके हैं, ये स्टोन अपने आप नहीं निकलेंगे, ये स्टोन ऑपरेशन थिएटर का मामला है। जो स्टोन 20 mm से बड़े हो गए, ये स्टोन किडनी को खराब कर देते हैं, किडनी में जम जाते हैं, और इन स्टोन के अंदर ना तो RRS काम करती है ना PCNL काम करता है। नमस्ते दोस्तों, किडनी स्टोन का नाम सुनते ही आपकी भी कमर में दर्द शुरू हो गया क्या? क्योंकि अगर आपने कभी किडनी स्टोन झेला है तो आप जानते हो कि ये दर्द सिर्फ एक तकलीफ नहीं है, ये ऐसा है जैसे कोई अपने अंदर नुकीला पत्थर घुसेड़ के भगा रहा हो। तो स्टोन का साइज छोटा हो या बड़ा, दर्द तो देगा ही, लेकिन सवाल ये है कि इसको निकाला कैसे जाए? क्या छोटा स्टोन अपने आप निकल सकता है या फिर आपको डॉक्टर की मदद लेनी पड़ेगी? चलिए आज हम साइज के हिसाब से स्टोन के इलाज के बारे में पूरी डिटेल में समझेंगे, मजा भी आएगा और जानकारी मिलेगी। तो मेरे पास है किडनी स्टोन के डिफरेंट साइजेस। ये है एक 3 mm का स्टोन, ये है तकरीबन 9 से 10 mm का स्टोन, और ये है तकरीबन 15 से 20 mm का स्टोन। तो आप देखेंगे कि ये हमने एक्चुअल मरीजों से निकाले हुए स्टोन है। तो ये स्टोन इतना छोटा सा जो ये 1 से 4 mm का स्टोन है, ये भी आदमी को अपने घुटनों तक ला सकता है, क्योंकि ये स्टोन जब उतरता है, इसमें देखो नुकीला है, नुकीला होने के साथ साथ जब ये उतरता है तो ये पूरे पेशाब के रास्ते को घसेड़ता हुआ आता है। तो छोटा किडनी स्टोन जो है, जो 1 mm से 4 mm है, वो खुद से निकल सकते हैं। अगर आपका स्टोन 4 mm से छोटा है, मतलब अगर आपका स्टोन तकरीबन ये सुपारी के दाने जितना है, तो अच्छी खबर ये है कि अपने आप निकल सकता है, लेकिन शर्त ये है कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और थोड़ा सा दर्द भी झेलना पड़ेगा। तो अगर आपको छोटा स्टोन निकालना है तो घर पे निकाल सकते हैं। कैसे निकाले? ज्यादा पानी पिए, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी, नींबू का पानी लीजिए, इसमें थोड़ा सा सिट्रेट होता है जो स्टोन को घोलने में मदद करता है, नारियल पानी ले सकते हैं, जंपिंग या रस्सी कूदिए ताकि ग्रेविटी से स्टोन हिल के उतरे, और एक स्पेशल दवा आती है जिसको टैम्सोलोसिन बोलते हैं, अल्फा ब्लॉकर बोलते हैं, जो बेसिकली आपकी जो पेशाब की नलकी है उसकी मांसपेशियों को थोड़ा रिलीज करता है, जिस कारण से ये स्टोन जल्दी निकलते हैं। इसके अलावा ये छोटे स्टोन को निकालने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयां भी आती है जो काफी सक्सेसफुल है, जैसे पत्थर चट्टा, जैसे गोशरू। इसके बारे में मेरी अलग वीडियो है जिसको आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया है कि ये छोटे वाले स्टोन जो है, ये 1 to 4 mm वाले स्टोन है, इनको हम कैसे निकाले। 2006 में मेयो क्लिनिक की रिसर्च के अनुसार 80% छोटे स्टोन अपने आप निकल सकते हैं अगर पानी और दवा की सही इस्तेमाल किया जाए, पर दर्द से पहले भगवान से प्रार्थना करना ना भूलें, क्योंकि जब दवाई लेंगे तो थोड़ा दर्द तो होगा ही। फिर आते हैं हम मीडियम साइज, मतलब ये स्टोन जो कि 5 mm से लेकर 10 mm के बीच में है। ये स्टोन बड़े होते हैं, दिखने में तो बड़ा लग नहीं रहा है, पर ये स्टोन आपके पेशाब की नलकी से निकलेंगे तो आपकी हालत खराब करेंगे। तो मध्यम आकार के किडनी स्टोन जो 5-10 mm है, इनको दवा और थेरेपी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपका स्टोन 5 mm से 10 mm के बीच है तो अपने आप निकलने की उम्मीद कम हो जाती है, पर प्लान बी पर स्विच करना पड़ेगा। इसमें हम दवाइयां ऐड करेंगे जैसे पोटेशियम सिट्रेट जो स्टोन को घोलता है, टैम्सोलोसिन जो मांसपेशियों को रिलैक्स करता है, और पेन किलर जैसे पैरासिटामोल, वोवरॉन जो दर्द को मैनेज करने में हेल्प करता है। फिर एक थेरेपी है जिसको बोलते हैं शॉक वेव थेरेपी या ESWL। इसमें साउंड वेव से स्टोन के छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, तोड़ दिया जाता है, और टुकड़े फिर पेशाब के रास्ते से बाहर निकलते हैं। कई स्टडीज में 75% मरीजों में ESWL के माध्यम से छोटे स्टोन मैनेज कर सकते हैं, पर इसके अंदर भी फिर एक कवीट है कि ये स्टोन अगर अटके हैं पेशाब की नलकी में है, जहां पर एक्सरे नहीं पहुंच सकता, जहां पर साउंड नहीं पहुंच सकती, तो इनको फिर URS या RIRS मतलब लेजर टेक्निक से बिना सर्जरी के दूरबीन डाल के इसको लेजर से भी तोड़ के निकाल सकते हैं। और फिर हम आते हैं बड़े स्टोन्स पे, ये बड़े बड़े जो 11 mm, 12 mm, 15 mm, 20-20 mm के बड़े स्टोन्स हैं, आप खुद देखेंगे ये इतने बड़े हैं, ये आपकी एक पतली सी 5 mm की दूरबीन से या 5 mm की जो नलकी है उससे कैसे निकलेंगे? ये स्टोन तो निकलेंगे ही नहीं। तो इन स्टोन्स के अंदर देखिए सर्जरी की जरूरत पड़ती है। तो जो स्टोन 11 mm से बड़े हो चुके हैं, ये स्टोन अपने आप नहीं निकलेंगे, ये स्टोन ऑपरेशन थिएटर का मामला है। इनको निकालने की कई तकनीकें हैं, इसमें जो मेन दो तकनीकें जिनके बारे में बात करेंगे वो है RIRS और PCNL। तो RIRS मतलब कि हम पेशाब के रास्ते से, पेशाब की नाली से दूरबीन ले जाएंगे सीधा स्टोन तक और स्टोन को देख के उसको नष्ट नाबूद कर देंगे, और PCNL मतलब कि हम कमर के अंदर छोटा छेद करेंगे और उसमें से दूरबीन डाल के उस स्टोन को तोड़ के निकाल लेंगे। तो अगर आपका स्टोन 11 से 20 mm का है तो PCNL या RIRS की मदद से स्टोन कंप्लीटली निकल सकते हैं। और फिर आते हैं हमारे मेगा स्टोन, स्टैगहॉर्न बोलते हैं जिनको, जो स्टोन 20 mm से बड़े हो गए, ये स्टोन इतने बड़े है कि
ये स्टोन किडनी को खराब कर देते हैं, किडनी में जम जाते हैं और इन स्टोन्स के अंदर ना तो आरआरएस काम करती है ना पीसीएनएल काम करता है। इन स्टोन्स को बिग बॉस बोला जाता है क्योंकि इनके अंदर सर्जरी होती होती है, दवाइयां काम नहीं करेगी और ये स्टोन्स किडनी के लिए खराब संकेत है। पहले जमाने में इन स्टोन्स में होता था ओपन नेफ्रोलिथोटमी, मतलब कि इधर से लेकर यहाँ तक पूरा पेट चीर के हम स्टोन को निकालते थे, पर वो जमाने खत्म हो गए और आज के दिन मिनी पर्क या पीसीएनएल के माध्यम से सिर्फ एक टाके भर से हम किडनी में जाते हैं और इन स्टोन्स को तोड़ते हैं और इन स्टोन्स को निकाल देते हैं। तो अगर आपको किडनी स्टोन है, अगर आप गुर्दे की पथरी से परेशान है तो पहले तो घबराइए मत। छोटे स्टोन्स है तो आप दवाइयां कर सकते हैं, दवाइयों से आप अपने स्टोन को मैनेज कर सकते हैं। बड़े हैं तो बहुत सारे नॉन इन्वेसिव टेक्निक्स है जैसे आरआरएस यूआरएस जिनसे हम स्टोन को मैनेज कर सकते हैं, और अगर स्टोन बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं तो आज के दिन पीसीएनएल जैसी टेक्निक से हम स्टोन को आराम से बिना दर्द के 2 या 3 दिन के रेस्ट के बाद निकाल सकते हैं। पर सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो इस वीडियो में यह है कि किडनी स्टोन है तो घबराइए मत, उसका अच्छा इलाज कराइए। इलाज के लिए प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट के पास जाइए क्योंकि यूरोलॉजिस्ट स्टोन की ट्रीटमेंट में वेल ट्रेंड है, उसके पास एमसीएच की डिग्री है। यूरोलॉजिस्ट मैं भी हूँ और मेरे कोलीग्स हैं जो शहर शहर में अपनी सुविधाएं देते हैं। अच्छे हॉस्पिटल में जाइए जहां पर प्रॉपर टेक्निक हो, प्रॉपर फॉलोअप हो, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स हो, प्रॉपर सफाई हो, क्योंकि कई बार छोटे सेंटर्स में बाहर से डॉक्टर आते हैं, प्रॉपर इलाज करते नहीं है, मरीज परेशान होते हैं और स्टोन नॉर्मली पैनल्स में इंश्योरेंसेज में कवर्ड है तो खर्चा भी आपका नॉर्मली मैनेज हो जाता है। पर एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बार बार कहता हूँ जो आपको करनी चाहिए, वो है कि स्टोन बने ना, स्टोन से बचे। तो रोज 8 से 10 ग्लास पानी, पालक चाय और चॉकलेट का अवॉइडेंस, नमक प्रोटीन कम लीजिए और नियमित एक्सरसाइज करिए तो हो सकता है कि आपको स्टोन बने ही ना। मेरे किडनी स्टोन की सीरीज में हमने अभी तक किडनी स्टोन कैसे बनता है, किडनी स्टोन के आयुर्वेदिक इलाज, किडनी स्टोन का घर पे इलाज, किडनी स्टोन की डाइट कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं, आप प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। पर मैसेज एक ही है, सेहतमंद रहिए, स्टोन से दूर रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यूरोलॉजी मतलब आपके किडनी से लेकर आपके लिंग तक आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका आपको बेस्ट टू बेस्ट इलाज दे सकते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर।